नमस्कार दोस्तों, यूनिक्स कमांड्स पे ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर है। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैल कमांड, तो यूनिक्स में कैल कमांड का क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो दिस कमांड इज यूज टू सी द कैलेंडर ऑफ एनी स्पेसिफिक मंथ ऑफ ए ईयर। तो किसी भी ईयर का, किसी स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर देखना चाहते हैं या फिर पूरा एक कंप्लीट ईयर का कैलेंडर देखना चाहते हैं तो वो हम कैल कमांड के यूज से देख सकते हैं। तो कैसे, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको सिंपली कमांड टाइप करनी है कैल, CCAL, कैल कमांड टाइप करनी है और उसके बाद जो है किस ईयर का, कौन से महीने का कैलेंडर देखना है। तो ईयर 2000 के 8th मंथ का मुझे कैलेंडर देखना है। तो 8th मंथ जो है वो अगस्त को बोलते हैं। तो ईयर 2000 के जो है 8th मंथ का अगर हमें कैलेंडर देखना है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और ईयर का नाम लिखेंगे 2000 और उसके बाद सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो 2000, ईयर 2000 का जो अगस्त का महीना है उसका कैलेंडर हमारे पास सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैल कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है डेट कमांड। तो जो है आइए देखते हैं कि डेट कमांड को कैसे यूज करते हैं और इस स्लाइड में हम जो है डेट कमांड को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे इस स्लाइड में और इसके अगले स्लाइड में भी हम डेट के बारे में ही जानेंगे। तो डेट कमांड जो है इट डिस्प्लेस द करंट डेट एंड टाइम। तो हमें ये जानना है कि करंट डेट क्या है, आज की डेट क्या है और अभी क्या टाइम हो रहा है। तो सिंपली यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके हम डेट कमांड को टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो करंट डेट और करंट टाइम हमारे पास आ जाएगा। यू कैन प्रिंट ओनली द मंथ यूजिंग द फॉर्मेट प्लस परसेंटेज एम। अब करंट डेट में से हम चाहते हैं कि केवल हमारा मंथ शो करे, महीना शो करे, तो महीना शो करवाने के लिए डेट के साथ हम प्लस परसेंटेज एम, एम का मतलब होता है मंथ, तो प्लस परसेंटेज एम के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे, डेट के साथ टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो करंट डेट में केवल मंथ को ही शो करेगा। अब समझते हैं कि यूनिक्स जो है क्लॉक को कैसे मेंटेन करता है। तो यूनिक्स सिस्टम मेंटेन्स एन इंटरनल क्लॉक। तो यूनिक्स जो है क्या करता है, इंटरनली जो है क्लॉक को मेंटेन करता है। तो कैसे मेंटेन करता है, तो द सिस्टम इज शट डाउन। जब सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाता है तो यूनिक्स सिस्टम में एक बैटरी बैकअप होता है, वो बैटरी बैकअप जो है क्लॉक को चलाने में जो है मदद करता रहता है। तो इससे क्लॉक चलती रहती है। अब एग्जांपल में देखते हैं कि डेट कमांड को यूज कैसे करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको डेट कमांड टाइप करनी है और एंटर प्रेस करनी है। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। तो आपके पास आउटपुट जो आएगा वो करंट डेट और करंट टाइम आपके पास आ जाएगा। इस स्लाइड में हम डेट कमांड को थोड़ा सा डीप में समझेंगे। तो डेट कमांड की जो है यहाँ पे बहुत सारे डेट की फॉर्मेट है हमारे पास, तो कौन कौन से फॉर्मेट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज डी का फॉर्मेट है। तो परसेंटेज डी के फॉर्मेट का मतलब ये है कि यूनिक्स पे जब हम डेट कमांड को टाइप करते हैं तो डेट कमांड
सिंपली आपको करंट डेट और करंट टाइम को डिस्प्ले करेगा। बट हम चाहते हैं कि जो डेट है हमारा, वो डेट हमारा MMDDY के फॉर्म में आना चाहिए। पहले मंथ का नाम आए, फिर डे का नाम आए, फिर ईयर का नाम आए, तो उस डेट कमांड के साथ हम ये वाली फॉर्मेट लगा देते हैं, यानी कि परसेंटेज डी फॉर्मेट उसके साथ हम टाइप कर देते हैं, तो जो डेट आएगी वो MMDDY के फॉर्म में आएगी, मतलब मंथ, डेट और ईयर के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर जब डेट फॉर्मेट को डेट कमांड के साथ यूज़ करते हैं, तो डेट फॉर्मेट से पहले प्लस लगाया जाता है, प्लस परसेंटेज डी, और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। तो जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, तो मैंने क्या किया, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के डेट लिख दिया, डेट कमांड को टाइप कर दिया, और उसके बाद मैंने चाहा कि मेरा जो आउटपुट है, यानी कि मेरी जो डेट आएगी, वो डेट MMDDY के फॉर्म में आएगी। तो मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड में जा कर के प्लस परसेंटेज डी को टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया मैंने, तो हमारे पास जो डेट आएगी, टाइम के साथ जो डेट आएगी, वो डेट आएगी MMDDY। तो यहाँ पर 10 का मतलब दसवां महीना, और 11 का मतलब 11वां दिन, और Y का मतलब 2017। तो ये है डेट फॉर्मेट। उसके बाद परसेंटेज और स्मॉल डी अगर हम डेट कमांड के साथ यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, डे ऑफ द मंथ, उस महीने के केवल दिन के बारे में बताएगा। मतलब इस तरीके से मंथ में एक से लेकर के 30 या 31 दिन होते हैं, तो वो जो दिन होगा, 11वां दिन होगा तो 11 शो करेगा, 10वां दिन होगा तो 10 शो करेगा, और 31वां दिन होगा तो 31 शो करेगा, मतलब डेट के साथ, डेट में मंथ इस तरीके से शो करेगा, मतलब मंथ का डे जो है वो इस तरीके से शो करेगा। उसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। परसेंट ए में जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके डेट में जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे आधा SUN संडे करके लिख के आना चाहिए, सैटरडे पूरा ना लिख करके SAT सेट लिख करके आना चाहिए, तो हमें ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। उसके बाद परसेंटेज ए में जो है, डिस्प्ले ऑल वीक डेज, अगर संडे टू सैटरडे आपको इस तरीके से शो करवाना है, तो आप परसेंटेज ए का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज बी में, स्मॉल बी में जो है, आपका मंथ का नाम आएगा, लेकिन पूरा जनवरी लिख करके नहीं आएगा, JAN ऐसे लिख करके आएगा, पूरा दिसंबर ना लिख करके DEC लिख करके आएगा। परसेंटेज बी आपका शो करेगा फुल मंथ नेम, जैसे कि जनवरी, दिसंबर, फरवरी, पूरा पूरा लिख करके आएगा। परसेंटेज स्मॉल एम में जो है, ईयर का मंथ जो है आपको 1 to 12 ऐसे करके शो करेगा। परसेंटेज स्मॉल वाई में जो है, आपका लास्ट 2 digit ऑफ द ईयर शो करेगा, मतलब 2000 ईयर में अगर सन 2000 को डिस्प्ले कराना है, तो लास्ट के 2 digit को ये शो करेगा। अगर 2017 को डिस्प्ले कराना है ईयर के नेम में, तो 17 शो करेगा, 20 शो नहीं करेगा, तो ये वाला फॉर्मेट आएगा वहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज कैपिटल वाई जब हम लिखेंगे वहाँ पे डेट के साथ, तो ये 4 digit ईयर दिखाएगा, मतलब 2017 तो 2017 चारों डिजिट दिखाएगा। उसी तरीके से परसेंटेज कैपिटल टी जब हम टाइप करेंगे, तो HHMMSS के फॉर्म में जो है टाइम को शो करेगा, पहले आर को शो करेगा, फिर मिनट को शो करेगा, फिर सेकंड को शो करेगा। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आवर शो करे, तो कैपिटल एच लिखेंगे परसेंटेज के साथ। हम चाहते हैं कि मिनट शो करे, तो कैपिटल एम लिखेंगे परसेंटेज के साथ। और हम चाहते हैं कि सेकंड शो करे,
तो परसेंटेज एस जो है हम डेट कमांड के साथ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो ये शो करेगा। तो यहाँ पर और भी जो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैंने समझा दिया था, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने डेट कमांड के साथ परसेंटेज कैपिटल डी परसेंटेज कैपिटल टी जो है टाइप किया है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज डी कैपिटल है तो ये MMDDY के फॉर्म में शो करेगा डेट को, और परसेंटेज टी है तो ये क्या करेगा 24 फॉर्म में मतलब टाइम को HHMMSS के फॉर्म में ये शो करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट जो है हमारा वो यहाँ पर MM ये मंथ है, 10वां महीना 11वां दिन 2017 तो MMDDY के फॉर्म में दिखा रहा है, 16 13 27 तो ये आपका दिखा रहा है ये वाला HHMMSS यानी कि आवर दिखा रहा है, उसके बाद जो है मिनट दिखा रहा, उसके बाद सेकंड दिखा रहा, आवर नहीं 16 16 घंटे आवर दिखा रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में परसेंटेज वाई परसेंटेज स्मॉल एम परसेंटेज स्मॉल डी तो परसेंटेज कैपिटल वाई क्या करेगा, ये 4 डिजिट ईयर दिखाएगा तो यहाँ पर 4 डिजिट ईयर दिखा रहा है 2017। उसके बाद परसेंटेज स्मॉल एम क्या करेगा, ये मंथ ऑफ द ईयर दिखाएगा मतलब 1 से लेके 12 महीने होते तो 1 2 3 के फॉर्म में दिखाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में दिखा रहा है। उसके बाद परसेंटेज स्मॉल डी में क्या करेगा, ये करेगा मंथ डे डे को बताएगा तो 1 to 31 के बीच में डे दिखाएगा तो यहाँ पर जो है 11 ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेट के साथ परसेंटेज कैपिटल वाई परसेंटेज स्मॉल एम परसेंटेज जो है डी तो जो है इसके बीच में मैंने बैक स्लैश लगा दिया है ये तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मेट में बीच में हाइफन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हाइफन लगा रखा है। इस हाइफन को ना लिख करके हम स्लैश लगा देंगे तो हमारा जो है डेट जो है वो इसी स्लैश के फॉर्म में आएगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यूनिक्स में नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है उसका नाम है इको कमांड। तो इको कमांड इस वीडियो लेक्चर का लास्ट कमांड है, तो आइए देखते हैं कि इको कमांड का क्या यूज है। तो इको कमांड जो है इट डिस्प्लेस द मैसेज एंड डॉलर प्रॉम्प्ट। तो हम किसी मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इको कमांड उसके लिए यूज करेंगे, और अगर हम डॉलर प्रॉम्प्ट को भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए इको कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मैसेज को कैसे प्रिंट कराना है, एक मैसेज को कैसे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर सिंपली यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको कमांड का नाम लिखना है इको, और जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में उस मैसेज को लिख दीजिए। जैसे मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ एंटर फाइल नेम, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। तो एंटर फाइल नेम लिख करके डबल इन्वर्टेड कोमा में और सिंपली मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो यूनिक्स कमांड पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा एंटर फाइल नेम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा डॉलर प्रॉम्प्ट भी आ जाए उस मैसेज के आगे, तो डॉलर प्रॉम्प्ट को ब्लिंक कराने के लिए यानी कि डॉलर डॉलर प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम स्लैश बैक स्लैश सी लिखते हैं। तो इसको लिखने के बाद जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे उस मैसेज के बाद जो है डॉलर प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। तो कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे,
तो वही यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पर जा करके आप इको लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको एक मैसेज लिखना है, जैसे मैंने लिखा है एंटर फाइल नेम, और उसके बाद जो है ये कॉलन लगा करके बैक स्लैश के साथ सी लिखना है, और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर फाइल नेम ये मैसेज को प्रिंट करेगा इको कमांड, और कॉलन के बाद स्लैश सी क्या करेगा, वो डॉलर प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पर डॉलर प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। तो इन डबल कोटेशन फॉर मैसेज, यानी कि मैसेज को प्रिंट करने के लिए डबल कोटेशन में रखते हैं, और स्लैश सी हम डॉलर प्रॉम्प्ट को सेम लाइन में डिस्प्ले कराने के लिए इसको यूज करते हैं, स्लैश सी को यूज करते हैं। तो इको कमांड का यूज यही था। तो मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है ये यहीं पे फिनिश होता है, बाकी के कमांड्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।